वो देख रहे शायद गाय सामने क्या सीन चल रहा है, अभी दिखाता हूँ। तो गाइज अपना आपकी बार भी आए हम सिटी फॉरेस्ट, इसमें थोड़ा तो अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे, ये बोटिंग एरिया तो है ही और साथ में हमारा थोड़ा एडवेंचर टाइप भी आ जाता है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज रे व्लॉग पे शो और रोज की तरह गली से अभी चल रहा है अपना कोचिंग, और आज थोड़ा सा जल्दी निकल गया अराउंड 11 नहीं, एक तो साल बारिश हो जाती है ना रोड पे कीचड़ हो जाती है जगह जगह। तुम्हारे भी होते हैं क्या? देखना बारे में पानी पड़ा हुआ है, पीछे वाली गली पर कुत्ते ज़्यादा हैं तो साले को कभी कभार पीछे पड़ जाते हैं, पागल हो जाते हैं दो। फिलहाल चलते सीधे कोचिंग और आज के सीन देखते हैं क्या है। कल तो हम अपना गेम पैराडाइज देते हैं, वहाँ पर गेमिंग करी और काफ़ी स्कूल के फ्रेंड्स भी आए थे, बहुत मतलब कि जो अपने 12th में थे साथ में, 9th 12th में थे वो आए थे, उनसे मिले थे, और यश भी आया था और यही था। और गेम पैराडाइज में तो गए थे, काफ़ी कल खर्चा भी हो गया तगड़ा वाला। चलो फिर चलते हैं इधर घर, मैंने तो खा। सो ही गाइस, आ चुके थे अपना घर कोचिंग से, उसके बाद मैंने आया लंच वंच किया, अभी अराउंड बज रहे हैं 1 और मौसम पीछे देख ही रहे हो क्या बढ़िया हो रहा है, और अभी जा रहे हैं तो एक लोकेशन पर, वो मैं वहीं पहुँच के बताऊँगा कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे। पिछले साल में गया था बट वो मैंने शूट नहीं किया था, तो अभी जा रहे हैं वो, उसमें बोल रहे को और अच्छी तरह से वो रेनोवेट कर दिया गया है, तो अभी निकलते हैं जल्दी से वरना लेट ना हो जाए। और आउटफिट देख लो तुम्हारे पास, ब्लू शर्ट ब्लू पैंट हो गए वही जो मैं लेके आया था शुक्रवार से अपना, मम्मी देख उंगली काट रही है जस्सी भाई का, और अपना कैमरा माउंट लगा दिया मोटो ब्लॉक के लिए, अभी चलते हैं अपना। कोई बात, चलो भाई। तो गाइस रेडी टू मूव, भाई साहब बड़ा भारी भारी सा लग रहा है यार इतना ज़्यादा। आज गाइस मोटो व्लॉग का सेटअप किया है मैंने, चाबी मेरे पे तेरे पे है मेरे पे है, हाँ पीछे वाली जेब में गाइस, कसम से इतना हेलमेट भारी हो गया यार फ़ोन लगा के, तो चाबी कौन सी है, यही है ना। चलो दादा, तो गाइस निकल चुके हैं अपना घर से। आई थिंक आपको एंगल बिल्कुल ठीक दिख रहा होगा मेरे हिसाब से तो, वरना मेरे को तो पता है, हाँ एंगल बिल्कुल ठीक है। अबे यार गाइस अभी इसका चश्मा भी रह गया यार घर पे, अभी चश्मा भी लेना है इसका, पहले से चश्मा लेते हैं फिर चलेंगे अपना आगे, और देखो क्या मौसम हो रहा ऊपर एकदम बढ़िया करके मौसम हो रहा, बादल ही बादल। गली से ले लूँ ना वरना तो साला भीड़ में ही रह जाएंगे। बस बस ओए ओए, भयंकर कैमरे में देखो तो साला सड़क नहीं दिखती, सड़क में देखो तो कैमरा नहीं दिखता कि कहाँ गया कैमरा। पहुंच गया इस घर इसी के, बढ़िया लग रहा है यार, बस थोड़ा सा ना ये है कि यार फोन में देखो तो साला कैमरा नहीं दिखता, और अगर मैं कैमरे में फ़ोन में देख के चलाऊँ ना गाड़ी तो मेरे को लगा घुस जाएगी क्योंकि इतना विजिबल नहीं होता। गाइस अब तो ना हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई, तुम्हारे को दिख रही होगी मेरे फ़ोन पे गिर रही है हल्की हल्की बारिश। गाइस बारिश आ गई तगड़ी, फ़ोन तो भीग जाएगा वो कोई नहीं, हम नहीं भीगने थे इतने बढ़िया बन के जा रहे हैं कसम से, और मैं नहीं चाहता मैं भीग जाऊँ।
क्या चीज? गाइस पता नहीं लोग वगैरह ऐसे अंधे होके चलते हैं, बिल्कुल ही यूं नहीं है कि इधर उधर देख ले शीशों में किधर आ रहे हैं किधर नहीं आ रहे, और फिर बोलते हैं कि राइडर की गलती है, राइडर की गलती है। राइडर वैसे भयंकर सीधे चल रहा हूँ चुपचाप नॉर्मल, बिल्कुल जब भी हाल राइडर की गलती बता रहे हैं। क्या है लोग आगो को इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी कसम से 2 मिनट का नहीं रुका जा रहा, मुंह में गुटखा डाल के पैसा अपक पका पक चलाए चले जाओ। क्या ब्यूटीफुल है, जैसे मजा तो आ रहा है ना ठंडी ठंडी। गाइस यहाँ पे ना ये फ्लेवर बनना है, ये कौन सा फ्लेवर है पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, और अब गाड़ी के ड्राइवर का हो गया आदान प्रदान यहाँ से ये चलाएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा रिस्क लगता है ना इस पर सब कुछ है, लाइसेंस वाइसेंस बचरंग बली महाराज की जय। क्रेजी रोड रिएक्शन चल गया, लड़कियाँ देख रही हैं। हाँ ले लो एंट्री। हाँ हाँ बाइक अंदर ही तो जाएगी। तो गाइस अपना अब की बार भी आए हम सिटी फॉरेस्ट, इसमें थोड़ा सा मजी मस्ती करने और फन करने। सिटी फॉरेस्ट में आपको हार्दिक स्वागत, और यहाँ पे गाय भैंस है पता नहीं क्या है, भैंस ही लग रही हैं, और ये हमारी हिंडन नदी आ गई बिल्कुल सूखी सी पड़ी हुई है। अभी यहाँ पे हमारा चेकआउट होगा, बाइक खड़ी करेंगे और अंदर टिकट पास लेंगे और अंदर सीधा एंट्री। यहाँ की कुछ टिकट वो ये यहाँ की पार्किंग है, इसका फिर आई थिंक 10 to 20 रुपीज़ होने वाला है, इतने ही लगा दो उसी। पेड़ के नीचे लगाइए बारिश की बूंदे ना पड़े। गाइस एंटर होते के साथ ही हमारे को गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मिल जाती है, और ये यहाँ का कुछ ना मैप है जिसमें हमारे को श्री कृष्ण गौशाला मिल जाएगी, इधर की साइड अम्यूजमेंट पार्क भी मिल जाएगा इसमें हमारे को, और बोटिंग का भी एरिया है जहाँ पे ये पानी पानी से देख रही है, बोटिंग का एरिया है, और भी है इसके अंदर काफ़ी जगह। और बाजार में चल रही है हमारी हिंडन नदी, वो लिखा होगा हिंडन वेटी का, और इधर की साइड से आए थे लास्ट टाइम हम, ये गेट जो खुला है ना इसमें से एंट्री करी थी हमने। वो जस्सी यार 10 रुपये तो हमने बर्बाद कर दिया यार, देख वो जो गेट देख रहा है हम उसमें से घुसे थे पिछले लास्ट टाइम, बर्बाद हो गए गाइस। अच्छा वाला हम इधर से आए थे, इधर से आ जाते ना बाइक की पार्किंग ही पैसे बचते,
और एंट्री भी फ्री मिलती। लास्ट टाइम इधर से ही आए थे। इतने क्या है, इतने तो कुछ नहीं सी, नॉर्मल ही है। अभी चल रहे अंदर की साइड, अंदर ना फोटो खिंचाने का बहुत बढ़िया प्लेस आता है। गाइस अभी अंदर एंटर तो हो चुके हैं और ना सामने हमारे जस्सी भाई चल रहे हैं एकदम बढ़िया करके, और उधर की साइड ना पता नहीं क्या है। गाइस देख रहे हो आशिकी बाजी कैसे चल रही है यहाँ पे, खुला खुला रास्ता, साइकिल ट्रैक। वो बेटे अभी ना और सीन दिखाता हूँ तुम्हारे को एकदम जैनमैन जैनमैन वाले। बस ना लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक बिल्कुल बने रहना, एक से एक सीन दिखाऊंगा यहाँ पे तुम्हारे को। जस्सी भाई और हम इसीलिए तो आए हैं तुम्हारे को प्यार है जांच पड़ताल करने की, यहाँ पे क्या है क्या नहीं। सिटी फोर वो देखो ये मजे। ये तुम देख रहे हो ना, इस पे ऑडिटोरियम टाइप बनना है, इस पे हमने फोटो खिंचवाई थी। और ना तो गाइस अभी ना जहाँ पे ऑडिटोरियम टाइप है ना हमारा, लास्ट टाइम भी आया था मैं, वो मेरे दूसरे वाले चैनल पे है जो कि हमारे दोस्त से थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी ना, तो उस वजह से वो चैनल चले गया था। और ये चैनल मेरा खुद का है पर्सनल, तो वही है। तो ये जो देख रहे हो ना तुम, ये हमारा ऑडिटोरियम टाइप है सारा का सारा। और तुम्हारे को एक चीज़ दिखाऊंगा भी, अच्छा लगेगा तुम्हारे को भी। वहाँ पे हम अपना स्पीच वीच दे सकते हैं, यहाँ पे बंदे बैठे हों तो बिल्कुल बढ़िया करके। देखो भाई नंबर वंबर लिखा है, कोई कॉल ना करना चाहे तो कॉल कर सकता है। इधर मानसी, मनोज, अजय, सबने अपना अपना सोना, भाई साहब मोहित, सबने नाम लिख रखा अपना। कहाँ गए गाइस, ये रे ये रे ये रे। वो देख रहे शायद गाइस सामने क्या सीन चल रहा, अभी दिखाता हूँ। वो देखो बेटे मौज कर दी। वो सामने क्या दिख रहा होगा तुम्हारे को, क्या ही सीन चल। उधर देख रहे हो गाइस क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो अभी। अबे दिखाता हूँ कहाँ गए वो रे बंदे। यार इस फोन में ना बस 3x जूम है, बस ये बात मेरे को गलत लगती है। फुल चुम्मा चाटी चल रही है उधर की साइड, थोड़ा पिक्सल ब्रेक डाउन हो रहा होगा लेकिन। तो गाइस अभी आए हम अपने यहाँ पे जो बोटिंग एरिया है ना, बोटिंग एरिया पे यहाँ पे ये सारी तुम देख रहे हो बोट और बोटी बोट है। उधर तो साइड भी बोटी बोट है, ये हमारी बोट आ गई। तो यहाँ पे हम बोटिंग एरिया भी गए हैं तो बोटिंग भी कर सकते हो आप अगर सिटी फॉरेस्ट में आ रहे हो तो, अगर नहीं आ रहे तो कोई बात ही नहीं है। और उधर की साइड थोड़ा एडवेंचर टाइप है मतलब, तो अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे, ये बोटिंग एरिया तो है ही और साथ में हमारा थोड़ा एडवेंचर टाइप भी आ जाता है, बुल राइड आ जाती है। वो सामने अभी दिखाता हूँ तुम्हारे को, पहुँचे वहाँ पे। तो गाइस ये आ गई हमारी बुल राइड और ये अपने छोटे मोटे से झूले आ गए बुल है। लास्ट टाइम मैं जब आया था ना ये बुल राइड मैंने की थी तो ना यहाँ पे बंदा था जो हमारे को झूला झूला रहा था, और छोटे बच्चों के लिए थोड़े बहुत झूले से आ गए। ये हमारी ट्रेन टॉय ट्रेन आ गई, वो गाड़ी वाला आ गया, उधर वो एरोप्लेन आ गया, और ये आ गया हमारा स्काई जंपर। वो तो अभी सो रहा है बंदा, कोई दिक्कत नहीं सोने दो से। तो अभी ये हमारा स्काई जंपर आ गया, स्काई पे हम झूल सकते हैं उछल उछल के ऊपर तक लेके जाता बहुत ही ज़्यादा। नहीं भाई भाई डर लगता है भाई इसमें तो, क्योंकि बहुत ऊपर चले जाता है यार, वो पेड़ है ना पेड़ से भी ऊपर लेके जाता है हमारे को। अभी ये जाली नहीं है पता लगा इधर उधर गिर गए तो। और ये हमारा आ गया कौन सा झूला होता है, नाव वाला। भाई फोटो वोटो खिंचवाना चाहते हो तो खिंचवा सकते हो, वो हल्का हल्का चल रहा है, धक्का दियो। ओ बेटे गाइस फ्री में भी झूल सकते हो अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो। ओए ऊपर ज्यादा मत लेके जा भाई, बहुत तो चल रहा है। गाइस अगर आप आ रहे हो ना तो ये वाली राइड जो हमारी पे वो है 60 रुपीज, और ये जो छोटी मोटी राइड देख रहे हो ये है हमारी 40 रुपए की। और अभी तो हमें करनी नहीं, हमने लास्ट टाइम करी ही थी, और छोटी मोटी राइड का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं।
तो अभी चलने सीधा बाहर की साइड। बाहर की साइड ना थोड़े से एडवेंचर टाइप है, उधर की साइड तुम्हारे को दिख रहा होगा कि उधर की साइड एडवेंचर पार्क टाइप है। अभी उधर की साइड लेके चलता हूँ, उधर के प्राइसिंग बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे को थोड़ा लेट हो रहा है। तो गाइज ये आ गया हमारा एडवेंचर पार्क, जो कि जिसमें अभी काम चल रहा है, ये थोड़ा रेनोवेट हो रहा है। पिछले टाइम ना इसमें लगे पूरा सही था। अभी तुम्हारे दिखा दूँ, एडवेंचर जोन है गेट नंबर 2 का हमारा, और गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें अभी थोड़ा ना काम चल रहा है। अगर आप आने वाले हो कुछ टाइम बाद, मतलब कि थोड़े दिनों बाद, तो आ सकते हो। अभी फिर पूरा की रेनोवेट हो जाएगा, और आपको इसकी जो प्राइसिंग है, मतलब कि इसकी अलग प्राइसिंग है। 10 रुपये जो है ना वो खाली एंट्री फीस है। एंट्री फीस के बाद अगर आप आते हो ना इसमें, तो आपको 150 देनी पड़ेंगे। 150 लास्ट टाइम इसकी ना वो थी, मतलब कि टिकट प्राइस थी 150, वो उसके बाद आपको देना पड़ेगा। आपको 360 देता हूँ अभी के लिए। तो गाइस आ चुके हैं अपना एंड ऑफ द पॉइंट, मतलब कि जो बिल्कुल लास्ट है ना, मतलब कि पूरा घूम घाम के जो अपना पूरा क्या बोलते हैं इसका नाम क्या था, सिटी फॉरेस्ट। तो अपना पूरा सिटी फॉरेस्ट को घूम घाम के आ चुके हैं, और ये हमारा कुछ यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है। अभी यहाँ पे एडवेंचर होता था बट अब नहीं है, क्योंकि ना ये देख रहे हो तुम सामने की टाइप कुछ फोटोग्राफी टाइप था, और ये मेन गेट आ गया हमारा और नहीं तो क्या। बड़ी जल्दी नहीं आ गए गाइस, पूरा ना कम से कम ये अंदर जो फुला हुआ है 7 एकड़ में फैला हुआ है, 7 एकड़ में। अभी मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ, अगर इसमें लिखा होगा तो 150 एकड़ में फैला हुआ है, दिख रहा होगा वो 150 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा घूम घाम के हम आ चुके हैं यहाँ पे। हमारे को कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगे हैं यहाँ पे अपना आने में, और अभी चलने अपना एग्जिट करते हैं, अपनी बाइक वाइक लेते हैं क्योंकि घर जाना है, क्योंकि घर पे बाइक भी खड़ी करनी होती है, तो वही है। तो चलने अब सीधा घर, और आपको घर ही मिलते हैं। पूरा मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिया है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है यहाँ पे। आप आ सकते हो मगर प्यार से। अगर आप आते हो, अगर आप कपल्स हो तो आपके लिए, कपल्स के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है। आपको कोई मतलब कि परेशान करने वाला जगह नहीं होगा, वीडियो बनाने वाला। हम तो थोड़े वीडियोग्राफी वाले हैं, तो हमारे को लगा कि हमने किसी को परेशान करा, तो इसलिए। और यहाँ पे आप तो आ ही सकते हो, 360 डिग्री दे देता हूँ आपको ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा अपने गाजियाबाद मेरठ हाईवे एक्सप्रेस वे पे पड़ता है बिल्कुल, और आप आ सकते हो यहाँ से सीधा। आप एग्जिट करते हैं, एग्जिट करके निकलते हैं सीधा घर। तो गाइस निकल चुके हैं अपना एडवेंचर तो आज कुछ था नहीं क्योंकि बंद पड़ा था सारा का सारा, सिटी फॉरेस्ट से बाहर। अभी निकलते हैं बाहर, ये लोहे का पुल आता है हमारा, जिसमें हमारी हिंडन नदी जो है सामने आपको दिख रही होगी, और ये मेन अपना रोड से बाहर निकल गया। अभी यहाँ से हम लेंगे यू टर्न लेने के बाद सीधा अपना घर। यहाँ से यू टर्न लेंगे हम, ब्रेक तो पूरे है ना गाड़ी में, ठीक है भाई।
भाई अभी अभी ना एक इंसिडेंस हुआ था, पुलिस वाले ना हमारे को देख रहा था, यूपी पुलिस वाला भयंकर रेस्क्यू आए ने ना अपना क्या बोलता है ट्रक के पीछे जैसी काटी वैसी उन्हें देखना बंद कर दिया, हमने निकल गया आराम से भयंकर। हेलमेट नहीं होते तो वो तो 100% रोकते, हेलमेट नहीं होते क्योंकि हेलमेट है ना हमारे पे, प्रॉपर हेलमेट है। तो गाइस हिंडन एयरपोर्ट आ चुके हैं हम अपना, जो अभी लास्ट टाइम ना इस पर सीन हो गया था कि इसकी छत गिर गई थी हिंडन एयरपोर्ट की, हिंडन की गिरी थी और किसी की गिरी थी, आईटीआई की गिरी थी। अच्छा मतलब कि उसकी गिरी थी इंदिरा गांधी की टर्मिनल 2 की, हाँ टर्मिनल 2 की इंदिरा गांधी की साइड गिरी थी, यहाँ पे बच गए थे हम जो अपना नॉर्मल चीज थी। तो गाइस पहुंच चुके अपने वाले जो मेन अपना जो रास्ता है घर वाला उस पे रोड पे अपने मेन वाले, तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपना घर। थोड़ी पीछे करके लगा दो और बस सही है। तो हे गाइस आ चुके थे अपना घर और घर आने के बाद आए हैं अभी अपना पिज्ज़ा कैफे, अभी पिज्ज़ा मंगाया अपना, देखते हैं कितनी देर में आता है। चटनी वटनी तो रखी हुई है अपना और ये चिली पेपर्स जो होते हैं ये भी रखे हुए हैं। पंखा एसी चल रहा, अच्छा हुआ एसी वाला सामने वाला लिया है वरना बड़ी गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे बहुत तगड़े। फुल पार्टी ऑन दस्सी भाई, देखिए कितनी देर में आता है। पनीर पिज्ज़ा मंगाया अभी हमने। तो गाइस हमारे अन्नी भाई को हो गई बैटरी डाउन, तारे दिख रहे हैं जमीन पर। भाई यार ऐसे शूट नहीं किया करते यार, प्रॉपर दिखा रहे हैं पूरे पूरे के क्या आए हैं कहाँ नहीं आए, हम सीधा फोकस करते हैं। भूख लग चुकी था और पिज्जा खाते देखते कौन जल्दी आया, अभी ऑर्डर किया है, पेमेंट वेमेंट सब हो गई है, देखते कितनी देर में आता है। 5 मिनट में आ जाए तो ठीक है, मतलब बेकार रेट है। लाइक करें। तो गाइस पिज्जा तो अपना आ चुका है, अभी डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स और ये कौन सा होता है ब्लैक पेपर होता है ना, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर ना, टेंशन ना ले ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा पंखा चल रहा है ना हवा में उड़ रहा है, निकल ही नहीं रहा। अभी डालेंगे उसमें सॉस हल्की सी। गाइस जैसे ही बोला ना हमने हमारा पनीर पिज्ज़ा वैसे ही आ गया, देख रहे चीज़ तो बड़ा गर्म है यार। और पनीर पिज्जा अपने नाम Thank you.
अभी इसमें चिली फ्लेक्स डालते हैं, फिर मजा आएगा ज़्यादा। गाइस अभी खाए ना हम अपनी स्माइली वाले पिज्ज़ा को। आजा यार, दसी भाई के गाइस भूख शांत नहीं हुई पिज्ज़ा खाने के बावजूद भी, अभी आए हैं गोलगप्पे खाने। हैं भूख शांत नहीं हुई, अभी गोलगप्पे खाएंगे, गोलगप्पे देखते हैं कैसे रहते हैं इनके। आज पहली बार खाऊंगा मैं तो, मेरे को तो खुद नहीं पता कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, दिखाना भी तो पड़ता है। गाइस गोलगप्पे तो खा लिए अपने, ओम नमः शिवाय। अभी आएगी लास्ट टाइम की पापड़ी, भैया लगा रहे हैं यहाँ पर अलग टाइप की है भाई, नमक मिर्च काला काला पता नहीं क्या है, ये मिर्ची आ गई, प्याज आलू पता नहीं क्या क्या डालने आ रही है, तो नमकीन भी पापड़ी में। तो गाइस अभी आया था जस्सी भाई की छत पे, इनकी ना खाट तोड़ दी पता नहीं किसी ने भयंकर बैठ बैठ के, और सामने हमारा मंदिर है जैन मंदिर, और सामने वो सामने जो बिल्कुल बिल्डिंग देख रहे हो ठीक सामने लंबी सी दिखाता हूँ अभी, वो उसके हमारे इधर के ही घर है हमारा, जो मेरा रुक जाओ, जो मेरा घर है ना हमारा, मतलब मेरा घर वो उधर ही कहीं है, उधर सामने की साइड जो है। अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठने आए, हवा चल रही अच्छी खासी, और अपना पंजाब नेशनल बैंक सामने ही आ गया, थोड़े दिन यहाँ पे बैठेंगे फिर चलेंगे अपना सीधा घर, फिर वीडियो एंड करेंगे या फिर वीडियो एंड कर देंगे या फिर अपना जो भी रात के सीन्स होंगे खाना वाना डिनर विनर करके अपना कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी मैं थक गया यार बहुत ज़्यादा शूट कर करके, बाइक भी जल्दबाजी में मैंने घर रखी है, और फिर उसके बाद अपना घर आए, पिज़्ज़ा खाया अपना, और अपना क्या बोलते हैं गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे खाने के बाद फिर गए अपने दाढ़ी सेट कराने, मैंने तो कराई नहीं जस्सी भाई ने कराई थी अपनी दाढ़ी सेट, फिर उसके बाद आए हैं सीधा घर जस्सी भाई के, अपना यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर हवा हवा खाते हैं और फिर चलते हैं सीधा घर। तो गाइस अभी अभी आया अपना डिनर, और अभी एक बाइट ही मार रही कसम से, एकदम से ज़्यादा है, शूट भी करना है, और नमाज खाने के बाद मैं यार थक गया था इतना ज़्यादा, और पैदल भी चले थोड़ा सा अंदर 150 फैला हुआ है वो तो काफ़ी अंदर तक था, पैदल भी चले उसके बाद थक गया था, तो आके सो गया था नहा धोके फ्रेश होके। अभी जस्ट आया अपना खाना खाने में, खिचड़ी कढ़ी और मम्मी ने बनाया टोस्ट, वो भी रोटी वाले, ज़्यादा तो मैंने है नहीं, थोड़ी दो रोटी खाऊँगा बस, दो टोस्ट है अपना खाते हैं, और फिर थोड़ा टहल वहल के आ जाएंगे, मन करेगा तो हम वरना सो जाएंगे दोबारा।